जैक के द्वारा 10वीं बोर्ड की परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र छात्रा अपना रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक दिखे। छात्र छात्राओं के अलावा विद्यालय के शिक्षक और अभिभावक भी बच्चों का रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक दिखे। गांडे प्रखंड के सभी उच्च विद्यालय का रिजल्ट संतोषजनक रहा। प्लस टू उच्च विद्यालय गांडे में कुल 332 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 293 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। 444 नंबर लाकर मोहम्मद जहीरुद्दीन विद्यालय में प्रथम, 428 नंबर लाकर सावन किस्कू द्वितीय और 422 नंबर लाकर काजल कुमारी तीसरे स्थान पर रही। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय में 424 नंबर लाकर खुशबू कुमारी प्रथम, 412 नंबर लाकर सोनम कुमारी द्वितीय और 405 नंबर लाकर अनीता कुमारी तीसरे स्थान पर रही। मारिया उच्च विद्यालय खोरी महुआ में कुल 169 बच्चे शामिल हुए, जिसमें 168 बच्चे सफल रहे। रोशन हेमरे 447 नंबर के साथ प्रथम, प्रीति कुमारी 445 नंबर के साथ दूसरे और अंजलि कुमारी 440 नंबर के साथ तीसरे स्थान पर रही। उच्च विद्यालय प्रतापपुर में 129 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 110 बच्चे सफल रहे। विद्यालय में 440 नंबर के साथ मोहम्मद आसिम अंसारी, 419 नंबर के साथ शाइका प्रवीण दूसरे और 410 नंबर के साथ साइस्ता शफक तीसरे स्थान पर रही। मॉडल विद्यालय चितरपोखी में चंदन कुमार और प्रिंस कुमार दो बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, दोनों प्रथम श्रेणी के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। संत जॉन ब्रिटो उच्च विद्यालय में 85 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 82 बच्चे सफल रहे। क्रिनाल सोरेन 439 नंबर के साथ प्रथम, पीयूष कुमार 483 नंबर के साथ दूसरे और अमन कुमार वर्मा 435 नंबर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। प्लस टू उच्च विद्यालय ताराताड़ में 225 बच्चे परीक्षा में सफल हुए थे, जिसमें 215 बच्चे सफल रहे। 493 नंबर के साथ काव्या कुमारी और पंकज दास प्रथम, 483 नंबर के साथ आयुष कुमार गुप्ता दूसरे और 421 नंबर के साथ रवीना कुमारी तीसरे स्थान पर रही। आदर्श उच्च विद्यालय बुद्धूडी में कुल 200 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 181 बच्चे सफल रहे। विद्यालय में शुभ मंडल 411 नंबर के साथ प्रथम, 398 नंबर के साथ अनीश कुमार वर्मा दूसरे और 396 नंबर के साथ मिराज अंसारी तीसरे स्थान पर रहे। वही प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय से 88.8% लाकर तनु कुमारी स्कूल टॉपर बताई जा रही है।